हेलो एंड वेलकम टू इंडियन हेल्दी फूड डॉट कॉम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिस्पी आलू की टिक्की की रेसिपी। इसमें हम आगे आपको हरी और लाल चटनी की रेसिपी भी बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आइए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी आलू की टिक्की। तो सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे और आलू को छील कर हम उसे आलू को ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं आलू को यहाँ ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ हमारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें ऐड करना है बेसन। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर लिया है और 8 से 10 चम्मच इसमें हम अरारोट ऐड कर लेते हैं और इसका एक टाइट मिक्सचर बना लेंगे। और अगर आपको लगे मिक्सचर टाइट नहीं हुआ है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग और थोड़ा सा अरारोट ऐड कर सकते हैं। लीजिए, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, थोड़ी देर रेस्ट के रख देते हैं। अब यहाँ एक बाउल में हम ले लेते हैं उबली हुई चना दाल। यहाँ मैंने 1 कप चना दाल और 1 कप उबली हुई हरी मटर ले ली है और 1 कप यहाँ मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर भी ले लिया है। सबको एक बाउल में ले लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 बड़ा चम्मच चाट मसाला। अब 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर लेती हूँ। एक चम्मच यहाँ मैंने जीरा पाउडर ले लिया है। और स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। बस सबको अच्छे से मिक्स कर ले। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। हमारी आलू की टिक्की के लिए तैयार है हमारी स्टफिंग। अब हम चटनी बना लेते हैं, दाल चटनी, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी ले ली है और 4 से 5 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है। और साथ ही हम ले लेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। स्वाद अनुसार काला नमक इसमें भी डाल लें। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। 1/2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। बस आप अब मैं इसमें थोड़ा सा इमली का पानी भी ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा सा हम अपनी चटनी को बॉईल कर लेंगे। बस तैयार है हमारी चटनी। अब मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल लेती हूँ और इसमें खरबूजे के बीज भी ऐड कर लें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसके बिना भी काम चल सकता है। बस हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। एक बोल में निकाल लेते हैं हम इसे। अब हम अपनी टिक्की के लिए हरी चटनी भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सचर ले लिया है। ग्राइंडर में मैंने थोड़ा सा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर ली है। स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल लें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच यहाँ मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है। आइए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए, हमारी हरी चटनी भी तैयार हो चुकी है। बस सब कुछ तैयार हो चुका है। अब बारी आती है हमें हमारी टिक्की बनाने की। आइए अब हम टिक्की तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हम मिक्सचर ले लेते हैं हाथ में। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ऐसे ही हम शेप देकर इसमें फिल कर लेंगे और टिक्की के शेप दे देंगे। आप जैसा चाहे वैसा साइज रख सकते हैं। बस इसी तरह से सारे बना लें। बस आपको आलू की स्टफिंग लेनी है, उसमें मटर वाली स्टफिंग फिल करनी है और उसे बंद कर देना है और गोल शेप दे देना है। बस हमारी टिक्की तैयार है। आइए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हम इसे फ्राई करेंगे घर वाले तवे पर, उसी तवे पर हम इन्हें बनाएंगे। थोड़ा
थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे तवे पर, तेल गरम होने देंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें टिक्की डाल देते हैं और दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। पलट कर दूसरे साइड से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम टिक्की सर्व करेंगे। दबाकर हम फिर से फ्राई कर लेते हैं और क्रश कर लेंगे। हल्के से प्रेस करके दोबारा से सेकेंगे हम। इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए हम दोबारा सेक रहे हैं। अब मैं इसे 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अब 1 चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर लूँगी। अब लाल चटनी भी ऐड कर लेते हैं। हरी चटनी भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। जीरा पाउडर डाल लेते हैं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी मैंने डाल लिया है। बस तैयार हो चुकी है हमारी मार्केट जैसे क्रिस्पी टिक्की घर पर। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली रेसिपी में।